हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पैरालिसिस पेशेंट्स को, जिनको हाथ में बहुत ज़्यादा जकड़न हो जाती है और पैर में बहुत ज़्यादा जकड़न हो जाती है, उनके लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और क्या क्या उपाय करना चाहिए ताकि उनकी जो जकड़न है वो कम हो जाए और वो नॉर्मल फिर से मूवमेंट करना स्टार्ट कर दें। कई सारे पेशेंट्स को क्या हो जाता है कि टाइटनेस हो जाती है, जकड़न हो जाती है, उसको हम लोग बेसिकली स्पास्टिसिटी बोलते हैं। स्पास्टिसिटी एक साइंटिफिक वर्ड है जिसके वजह से जो हमारा ब्रेन है वो सिग्नल कंटिन्यूअसली भेजता रहता है। ये अक्सर स्ट्रोक की वजह से हो जाता है या हायर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सिग्नल्स हैं ये। तो ये क्या करता है कि हमारे मसल्स को कंटिन्यूअसली फायरिंग भेजता रहता है, सिग्नल भेजता रहता है, तो वो हमारी जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में रहती हैं, तो वो हमेशा टाइट ही रहती हैं। वो इतना ज़्यादा सिग्नल भेजते हैं कि वो टाइट रहेंगी, तो उसको ढीला करने के लिए हमारे के लिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है, स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है और गर्म सिकाई वगैरह आप कर सकते हैं। तो ये सब कैसे करेंगे उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स। तो जैसे हमारे पेशेंट्स हैं जिनको स्ट्रोक हो जाता है, तो शुरुआत में वो बिल्कुल मसल्स ढीली रहती हैं, फिर धीरे धीरे जब उनकी स्टेजेस आती है, तो मैंने स्टेजेस ऑफ रिकवरी का एक वीडियो बनाया है जिसमें आप देख सकते हैं कि स्पास्टिसिटी और टाइटनेस कौन सी स्टेज पे होती है और कब तक जाएगी वो। तो ये वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जिनको भी हाथ बहुत टाइट है, उंगलियां टाइट हैं, पैर टाइट हैं, तो उनको चलने में दिक्कत होती है। तो जब टाइट होगा या मूवमेंट करने में कोई प्रॉब्लम होगी, अब सपोज करिए हाथ टाइट है, कोई भी मूवमेंट करना है तो हाथ आगे ही नहीं जाएगा, ऐसे टेढ़ा होकर के जाएगा, या कुछ भी मूवमेंट करेंगे तो हाथ टेढ़ा करके जाएंगे, हाथ ऊपर उठाने के लिए बोलेंगे तो हाथ टेढ़ा करके ऊपर जाएगा, सीधा करके नहीं जाएगा। तो ये मसल टाइटनेस और स्पास्टिसिटी की वजह से, स्टिफनेस की वजह से हो जाता है फ्रेंड्स। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जो जो मसल्स में टाइटनेस है उसमें आप पहले गर्म सिकाई करिए और हल्के हाथों से आप तेल से मालिश कर सकते हैं। तो जब आप मसाज करेंगे या मालिश करेंगे हल्के हाथों से, तो मसल्स में क्या है, रिलैक्सेशन होगी। जब रिलैक्स होगी मसल्स, तो उसमें जो कंटिन्यूसली फायरिंग आ रही है ब्रेन से, वो फायरिंग नहीं आएगी या सिग्नल नहीं आएंगे, तो हमारे जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में हैं, वो रिलैक्स होंगे। रिलैक्स होंगे तो मसल्स ढीले होंगे, और ढीले होंगे तो हमारे जो जॉइंट्स में जकड़न है और टाइटनेस हो रही है मसल्स में, ये सब रिलैक्स हो जाएगी। तो आप गर्म सिकाई 10 मिनट से ज़्यादा आपको कहीं पर भी नहीं करना है, और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, क्योंकि अगर आप 10 मिनट से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो जो स्किन है वो जल जाएगी और छाले पड़ जाएंगे, उसकी वजह से हमारे पेशेंट की रिकवरी और स्लो हो जाएगी। तो आप गर्म सिकाई एल्बो में कर सकते हैं, शोल्डर में कर सकते हैं, हाथ की उंगलियों में इस तरफ और पीछे की तरफ कर सकते हैं, जहाँ पे ये मसल क्वाड्रिसेप्स मसल और हैमस्ट्रिंग मसल है, यहाँ वाली मसल्स भी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है कई बार, तो यहाँ भी आप सिकाई कर सकते हैं, और पैर में भी सिकाई कर सकते हैं, उंगलियों में सिकाई कर सकते हैं। क्योंकि उंगलियाँ भी कई बार जब हम पेशेंट्स को चलवाते हैं या पेशेंट हमें कंप्लेन करता है कि जब हम चलते हैं तो हमारी उंगलियाँ मुड़ जाती हैं, पैर की उंगलियाँ नीचे की तरफ झुक जाती हैं, तो वो सीधी नहीं होती है, वो सब स्पास्टिसिटी की वजह से और टाइटनेस की वजह से हो रहा है फ्रेंड्स। तो ये गर्म सिकाई से पहले मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, फिर आप जो मसाज करेंगे तेल से उससे भी मसल्स रिलैक्स होंगी। तो जो मालिश है और गर्म सिकाई है ये एक साथ नहीं करना है, सिकाई अलग समय पे करना है और मालिश अलग समय पे करना है, तो कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो इससे आपकी जो स्टिफनेस है वो दूर होगी और मूवमेंट करने में आपको आसानी होगी। नेक्स्ट क्या है, जो बेस्ट एक्सरसाइज मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, कि क्वाड्रिपोड एक पोजीशन होती है, न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी का एक पार्ट है ये। तो क्वाड्रिपोड पोजीशन में जो हमारे सिनर्जिस्टिक मूवमेंट होते हैं, सिनर्जिस्टिक मूवमेंट का भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, फ्लेक्शन सिनर्जी और एक्सटेंशन सिनर्जी हो जाती है स्ट्रोक के केसेस में पैरालिसिस वालों को। तो फ्लेक्शन सिनर्जी में क्या होता है, सारे मसल्स फ्लेक्शन की तरफ जाते हैं, और एक्सटेंशन सिनर्जी में सारे मसल्स और सारे जॉइंट्स एक्सटेंशन में चले जाते हैं। तो हम लोगों को इसको ब्रेक करने के लिए क्वाड्रिपोड पोजीशन होती है फ्रेंड्स। तो वो कैसे होती है कि आपको घोड़ा बनना है, घोड़े वाली पोजीशन को हम लोग क्वाड्रिपोड पोजीशन बोलते हैं। तो ये जो हम लोग ऐसे हाथ करेंगे, तो जिनका फ्लेक्शन सिनर्जी है, मान लो उंगलियां मुड़ रही हैं, एल्बो मुड़ रहा है, तो उससे हमारा हाथ सीधा होगा, उंगलियां सीधी होंगी, रिस्ट ड्रॉप भी हो रहा है तो रिस्ट एक्सटेंशन आएगा, और हमारा यहाँ पे पैर में भी घुटना मुड़ेगा, घुटने पे वजन जाएगा, हिप्स में भी वजन जाएगा, तो हमारा जो ब्रेन है वो रिकवर होगा। तो ये क्वाड्रिपोड पोजीशन है, इसको आपको 2 मिनट तक इस पोजीशन में होल्ड करना है,
और इस पोजीशन में होल्ड करने के साथ आप आगे और पीछे ऐसे हो सकते हैं। तो धीरे धीरे आपको ये करना है, करीब ऐसे 10 बार इस प्रकार का आपको मूवमेंट करना है। और आप धीरे धीरे मूवमेंट करेंगे तो जल्दी सीख पाएंगे और आसानी से सीख पाएंगे। तो ये वाली पोजीशन फ्रेंड्स सबसे बेस्ट पोजीशन है। इस पोजीशन को हम लोग क्वाड्रुपल पोजीशन बोलते हैं। न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपी का NDT का ये पार्ट है। इससे आपकी सिनर्जी ब्रेक होती है फ्रेंड्स, जो सिनर्जिस्टिक मूवमेंट है वो ब्रेक होते हैं। ब्रेन हमारे मसल्स को जो कंटिन्यूसली फायरिंग भेज रहा है, स्पास्टिसिटी क्रिएट कर रहा है, वो भी आपकी रिकवर होगी फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। जिनको हमारे वीडियोस को देख करके फायदा हुआ है वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।